मुंबई में अभी 4500 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 6500 तक करने की बात हो रही है। इसके अलावा मरीजों की तादाद भी बढ़ेगी, ज्यादा लोगों को क्वारंटीन करने की जरूरत भी होगी। बीएनसी की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। मुंबई में सरकार टेस्टिंग बढ़ा रही है, ज्यादा फोकस स्लम इलाकों में होगा। स्लम में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना जरूरी होता है और उनके हाई रिस्क कॉन्टेक्ट को भी, ताकि उनसे परिवार और आसपास रहने वालों को संक्रमण ना फैले। बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे लोगों को तो कह दिया गया कि आप अपने घर में ही क्वारंटाइन करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो रेशियो है स्लम्स में, यानी कि पहले एक आदमी अगर पॉजिटिव होता है तो उसके साथ 10 लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, वो रेशियो बढ़ता ही गया। मुंबई में जैसे जैसे केस बढ़े, पहले होटल और बाद में खाली पड़ी बिल्डिंग, हॉस्टल, वर्ली के एनएसआई डोम जैसे इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया। इसके अलावा वुहान की तर्ज पर चंद दिनों में 2000 की क्षमता वाले 2 मेकशिफ्ट अस्पताल भी बीकेसी में बनाए गए। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मरीजों के मिले जुले अनुभव रहे, खाने की क्वालिटी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आई। तो प्रदेशनगर में क्वारंटाइन होने के बाद वहाँ पर मेरी मम्मी, मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का, वो सब लोग वहां पर थे। शुरुआत के कुछ दिनों में 3-4 दिन वहां पर अच्छी तरीके से पानी, बिस्तरी का पानी, 4 टाइम वहां पर खाना, मतलब सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को नाश्ता, रात को खाना, ऐसे चल रहा था। पर 4-5 दिन होने के बाद जब पानी खत्म हुआ और वहां के मेरी मम्मी और उन्होंने पानी मांगा उनसे, उन कर्मचारियों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बिस्तरी का पानी खत्म हो गया, अब वॉश बेसिन का पानी पीना। खाना ठीक नहीं था, कच्चा आता था, चावल रोटी सब कच्चे आती थी, दूध देते थे शाम को, बट 2 घंटे के बाद वो खराब हो जाता था। हर शाम डॉक्टर आते थे, नीचे बैठे हुए रहते थे, कुछ प्रॉब्लम रहता तो हम लोग को नीचे जाकर उनको बताना रहता था। मुंबई में 2 तरह के क्वारंटीन सेंटर यानी कोविड केयर सेंटर है। पहला कोविड केयर सेंटर 1, इसमें कोरोना के हाई रिस्क संदिग्धों को रखा जाता है, यानी वो लोग जो कोरोना मरीजों के बेहद नजदीकी संपर्क में रहे और उनमें कोरोना का संक्रमण होने की आशंका ज्यादा है। मुंबई में CCC1 में 47,999 बेड है, इनमें 17,614 बेड घिरे हुए हैं। दूसरी कैटेगरी है कोविड केयर सेंटर 2, जिनमें बिना लक्षण वाले या बहुत हल्के लक्षण वाले मरीजों को रखा जाता है। CCC2 में फिलहाल बेड संख्या 24,736 है, इनमें से 2,999 बेड पर फिलहाल मरीज भर्ती हैं। मुंबई में फिलहाल 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2-3 हफ्ते से मुलुंड, भांडूप, अंधेरी, मलाड, बोरीवली, दहिसर और कांदीवली जैसे इलाकों से कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं। जून के आखिर तक एक और बड़ा क्वारंटीन सेंटर मुंबई में तैयार हो जाएगा। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक।